हम लोग रेडी हो चुके हैं, इवनिंग टाइम अभी 7 बज गए हैं। तो नांसी को उसके पापा चिल्ला रहे हैं कि मेरा हाथ से नहीं खा रहे, कि तो बिल्कुल भी खाना नहीं खा रही है। इस वजह से उसका पापा खाना खिला रहे हैं नीचे बैठ के, क्योंकि ऊपर गंदा होगा वगैरह इस वजह से। तो बहुत थक गई हूँ। नांसी भी फिर आपका सर पर साढ़े 5 बजे आके फिर थोड़ा सा नांसी का डायपर वगैरह ड्रेस वगैरह चेंज करके मैं फिर नहा लिया। नहाने के बाद फिर पापा आए, वो थोड़ा बाहर गए थे अभी आके, सभी रेडी तो हो गया है नांसी के लिए, तो फिर जाएंगे। बहुत टायर्ड हो गया है क्योंकि इतना ह्यूमिडिटी, इतना गर्मी, वो बहुत ज्यादा गर्मी। ठीक है, नांसी खाना नहीं खा रहे, खाने के बाद में देखते हैं क्या होगा। तो हम लोग जा रहे हैं अभी कालनगोडा बीच, आके पहुंच गए हैं। हम लोगों तो पता ही नहीं है भाई, गूगल मैप में डाल के आए हैं। मैं तो सोच रही हूँ वही रोड है, पूरा एक इतना न्यारा रोड, ऐसा गली रोड है, गांव का गली का रोड जैसा। गांव में भी अभी इस टाइप का रोड नहीं है फिलहाल, इतना डेवलप हो चुका है। बट यहीं पे वो वाला रोड है, वो एक होटल है, होटल का बीच में वो गली है। ठीक है, कालनगोडा बीच है वो। इवनिंग टाइम पे हम लोग आए तो देख सकते हो ऐसा ही रोड है, ऐसा ही क्रश करके जाना पड़ेगा। एंड वो होटल, वो तो होटल ज्यादा मतलब होटल विद बार, ठीक है, ऐसा टाइप का है। पीने के लिए तो भाई मस्त, एंड सारे के सारे तो ये गोवा तो आप लोग पता है फेमस क्यों है। तो बस हम लोग आ गए हैं कालनगोडा बीच में, सन्नाटा ज्यादा, भीड़ वगैरह नहीं है। वो सारे के सारे बीच में, ऐसा बीच में वो लगा हुआ है और एक दूसरा बीच को, ठीक है। हम लोग जैसे कि बागा बीच, कालनगोडा एंड वो सब बीच वो लगा हुआ है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पार्टीशन किया है। वो कालनगोडा है तो वो है जो कालनगोडा बीच जो है ना, 2 किलोमीटर बाद बागा बीच है। बस वही है, लाइटिंग वगैरह बीच में बहुत ही अच्छा जा रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड बहुत ही अच्छा फील हो रही है अभी, क्योंकि डीजे वगैरह बज रही है, वो चलती रहती है, म्यूजिक वगैरह है एंड खाने पीने के लिए है भाई, अच्छा लग रहा है। हवा भी बहुत मस्त आ रहा है। बट मेरा हस्बैंड पूछ रहे है क्या बस वो बोल रहे थे, वो सारे सारे बच्चे है ना, वो बुलाते हैं उनका होटल में। बस वहीं पे हम लोग फिर मेन जो रोड है वो आ गए हैं, बागा बीच में जा रहे थे। वो बहुत ईजी है ना, मंदिर एक भी मंदिर मैंने नहीं देखा, ठीक है, सच में। सारे चर्च बहुत ज़्यादा चर्च है, बड़ा बड़ा चर्च है, मंदिर वगैरह मैंने एक भी नहीं देखा अभी तक। तो वो देख सकते हो बागा बीच का पूरा रौनक, बहुत ज़्यादा भीड़ है एंड देख सकते हो नज़रिया तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही नज़ारा बहुत ही अच्छा है, इवनिंग टाइम का नज़ारा है। एंड देखो डीजे बज रहा है, वो है बागा बीच का नाइट टाइम का पार्टी, लोग कर रहे हैं डांस वगैरह। और थोड़ा लेट में हो, अभी तो इवनिंग टाइम, और थोड़ा रात हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, बहुत ही अच्छा। एंड लहर ज़्यादा आ रहे हैं अभी, थोड़ा थोड़ा हवा भी बहुत ज़्यादा। नांसी की तो रोड हो के पोजिशन कर दिया है, क्योंकि उसका उसकी जो कैप नहीं लेके आई हूँ, ज़्यादा हवा भी आ रहा है ना, वो रो रही है, ज़्यादा ठंड लग रही है। एंड देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रही है ना, वो बीच में ना वही सारे के सारे बहुत ज़्यादा होटल्स है, बार होटल बार हुक्का जो भी चाहिए आप लोगों को, जो भी चाहिए वो मिल जाता है भाई। और बस हम लोग सोच
करते हैं, कुछ खा के फिर जाएंगे पटना से। क्या कर रही है पता नहीं। एंड वो सारे के सारे लाटे वगैरह वो सब क्या बेच रही है। लोकल लोग बहुत कम है, आउटसाइड का लोग सारे के सारे हैं। एंड बॉडी मसाज वगैरह भी कर सकते हो। दोपहर में मेरा कॉल किया था, मेरा हस्बैंड कॉल किया था, लिट्टू ने कॉल किया था, बट हाँ वो सारे सारे चीज़ें अवेलेबल है। जितना हो ऐसा आराम की चीज़ें यहीं पे मिल जाता है भाई, बहुत ही अच्छा प्लस है। इवनिंग भी मस्त लगती है मुझे, दोपहर में दिन में जितना अच्छा नहीं लग रहा है लग रही है, बट इवनिंग टाइम में मुझे थोड़ा मज़ा आ जाती है, क्योंकि म्यूजिक बीट डांस वगैरह पी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बड़ा अच्छा लगता है। मन माहौल बहुत ही अच्छा है, मेरा मतलब कि माहौल बहुत ही अच्छा है। ऐसा वो पार्टीशन करके वो लोग सारे के सारे जो होटल है ना, पार्टीशन क्या है होटल के, वो साइड में चेयर और टेबल्स डाला है, ठीक है, आप लोग जाके बैठ के खाना खा सकते हो, पी सकते हो। और क्या बीच में क्या करना, क्या क्या देखना, बहुत ज़्यादा दुर्भागा भी से सच में बहुत ज़्यादा भीड़ है यार आज, एंड बहुत ज़्यादा क्या होता है ना, तो भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। बट आप लोग जो कोलंगटा बीच जो गए थे, कितना कम था भीड़, ज़्यादा नहीं था ना, लोग बहुत ज़्यादा नहीं थे वहाँ पे, बहुत कम, बट यहीं पे लोग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। एंड बस फिर वो चर्च है देखते हो। एंड हम लोग आके घर में पहुंच गए हैं, हमारा रूम का होटल जो है ना, आउटसाइड व्यू देख सकते हो, बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छा व्यू। वो जो होटल का ओनर भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पोलाइट बात करते हैं, बहुत ही अच्छा है। नांसी की मेरी यहीं पे मस्ती चल रही है, जान है मेरी, बहुत ज्यादा मस्ती करती रहती। तो आज हम लोग जल्दी थोड़ा चली आई, क्योंकि हम बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके थे, एंड नांसी भी रो रही थी, तो इस वजह से हम लोग नांसी को बहुत ज्यादा भूख भी लगी थी। बट बाहर तो वो कुछ नहीं खाते, बस घर में आके थोड़ा सा दूध वगैरह पिला दिया, एंड उसके साथ मैंने वो रिसेप्शन में मैंने बोल दिया आने के टाइम पे थोड़ा मिल जाए, तो वो लाके दिया था। एंड उसके साथ अभी देख सकते हो बाहर का व्यू देख सकते हो। तो बस आज थोड़ा इस वजह से बाहर आके बालकनी में आके थोड़ा देख रहे हैं क्या नजारा कैसा, एक नौ कैसा टाइप का क्या है। एक नांसी बहुत ज्यादा यार टेंशन देती है यार, वो लड़की बिल्कुल भी एक जगह मना उसका कॉन्स्टेंट नहीं है यार। नांसी मम इज टेलिंग नो ना, बहुत ज्यादा टेंशन देती है, क्या इतना ज्यादा हेडेक हो जाती है मुझे, क्या बताओ यार बहुत ज्यादा। बस थोड़ा सो जाएंगे और क्या, बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके हैं। वो इतना धूप है उसके साथ बहुत हम बॉडी जैसे डिहाइड्रेट हो जाती है ना, वो ऐसा टाइप का हो रहा है मुझे। बस थोड़ा रेस्ट ले लेंगे, पूरा ये रूम पूरा चिल करके रखा है, थोड़ा सा ऐसा रेस्ट करने के लिए। ऐसे बाहर आ गए जैसा क्या होगा आप लोगों के भी दिखाना चाहना इस वजह से। बस चलो बाय बोल दो, गुड नाइट बोल दो, बस ऐसा डिनर को जब 9 बज गए हैं, डिनर कुछ कर लेंगे बाहर से मंगवा के। वही होटल में क्या होता है ना, ब्रेकफास्ट मिल जाता है, ठीक है, लंच और डिनर नहीं मिलता, वो बहुत ब्लैक कलर है। नैन्सी बहुत ज्यादा परेशान करके और क्या करे, बस अंदर आ गई ने थोड़ा
खाना कुछ खा के वो ब्लैक लग रहा था, ज्यादा लाइट वगैरह क्या है ना रूम के अंदर, वो वाला लाइट मतलब व्हाइट लाइट नहीं है। चलो कुछ बातें करके थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। नैन्सी को भी खिलाना है, वो भी नहीं खाए है अब तक, नहीं उसे भी खिलाना है। वो बहुत चैलेंजिंग होता है, उसे जो खाना खिलाएगा भाई बहुत ज्यादा टफ है। चलो बाय। वहीं पे हम लोग डिनर कर रही है, डिनर के लिए लट्टू जाके लेके आए हैं, वो है मंचूरियन है, आलू का पराठा एंड मशरूम का ग्रेवी। दोपहर में जो मशरूम हुई तो पनीर लाया था, पनीर खा लिया था, बस हम लोग रख दिया था वो मशरूम, ज़्यादा हो गया था तो बस वही डिनर कर रही है हम लोग। नैन्सी तो सो गई है। आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कीजिए, आप लोगों का फ्रेंड फैमिली रिलेटिव के साथ बहुत सारा सपोर्ट कीजिए एंड बस गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।